नमस्कार, आप सबका स्वागत है। यूपी के जालौन में 210 फीट ऊंची लंका मीनार है। इसके अंदर रावण के पूरे परिवार का चित्रण किया गया है। खास बात यह है कि इस मीनार के ऊपर सगे भाई बहन एक साथ नहीं जा सकते हैं। इतिहास के जानकार हरिमोहन पुरवार बताते हैं, इस मीनार का निर्माण कराने वाले मथुरा प्रसाद रामलीला में रावण के किरदार को दशकों तक निभाते रहे। रावण का पात्र उनके मन में इस कदर बस गया कि उन्होंने रावण की याद में लंका का निर्माण करा डाला। 1875 में मथुरा प्रसाद निगम ने रावण की स्मृति में यहां 210 फीट ऊंची मीनार का निर्माण कराया था, जिसे उन्होंने लंका का नाम दिया। सीप, उड़द की दाल, शंख और कौड़ियों से बनी इस मीनार को बनाने में करीब 20 साल लगे। उस वक्त इसकी निर्माण लागत 1,75,000 रुपए आंकी गई थी। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद न केवल रामलीला का आयोजन कराते थे, बल्कि इसमें रावण का किरदार भी वो स्वयं निभाते थे। मंदोदरी की भूमिका घसीटीबाई नामक एक मुस्लिम महिला निभाती थी। इसमें 100 फीट के कुंभकर्ण और 65 फीट ऊंचे मेघनाथ की प्रतिमाएं लगी हैं। वहीं मीनार के सामने भगवान चित्रगुप्त और भगवान शंकर की मूर्ति है। मंदिर का निर्माण इस तरह कराया गया है कि रावण अपनी लंका से भगवान शिव के 24 घंटे दर्शन कर सकता है। परिसर में 180 फीट लंबे नाग देवता और 95 फीट लंबी नागिन गेट पर बैठी है, जो कि मीनार की रखवाली करते हैं। नाग पंचमी पर इस कंपाउंड में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और दंगल भी लगता है। कुतुब मीनार के बाद यही मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनारों में शामिल है। इस मीनार की एक ऐसी भी मान्यता है जिसके अंतर्गत यहाँ भाई बहन एक साथ नहीं जा सकते। इसका कारण ये है कि लंका मीनार की नीचे से ऊपर तक की चढ़ाई में 7 परिक्रमाएं करनी होती हैं, जो भाई बहन नहीं कर सकते। ये फेरे केवल पति पत्नी द्वारा मान्य माने गए हैं, इसीलिए भाई बहन का यहाँ जाना निषेध है।